आमतौर पर हमें जब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना रहता है जिसके लिए हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी भी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं लेकिन वो उसमें मालवेयर है जिनसे आपका डाटा चोरी होने का आशंका है। तो चलिए आज हम यही आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपका डाटा चोरी हो सकता है, और सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन से जल्दी हटा दीजिए अगर आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल्ड है तो, अगर नहीं इंस्टॉल तो उसको प्ले स्टोर से मत इंस्टॉल करना। तो आइए जानते हैं ऐसे 6 सॉफ्टवेयर जिनमें मालवेयर की आशंका जताई गई है सिक्योरिटी द्वारा। तो चलिए देखते हैं। इन ऐप्स में पहला नाम आता है फाइल ट्रांसफर प्रो का, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, और इसको लेकर सिक्योरिटी पॉइंट ने ये बताया है कि इसमें मालवेयर की शंका है उसको, तो इसीलिए इसको मालवेयर की कैटेगरी में रखा है, लेकिन ये अभी भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और ये आपका पर्सनल डाटा भी चोरी कर सकता है, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर सेरिट के जैसा ही सॉफ्टवेयर है जिससे फाइल ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, और इसी से यह आपका निजी डाटा भी चोरी कर सकता है। तो ऐसे में इस सॉफ्टवेयर से दूर रहें। इस कैटेगरी में दूसरा सॉफ्टवेयर आता है स्मार्ट स्वाइप, जिसको भी लेकर सिक्योरिटी फर्म चेक पॉइंट ने इसको मालवेयर की कैटेगरी में रखा है, लेकिन ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और इस अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसको अपने मोबाइल से हटा दें, क्योंकि ये आपका पर्सनल डाटा अपने यूजर्स तक भेज रहा है, जिसने जो ये सॉफ्टवेयर के डेवलपर है उसके पास ये पूरा डाटा आपका भेज रहा है। तो इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल से हटा दें। ये प्ले स्टोर से अब तक 1,000,000 बार डाउनलोड किया जा चुका है और देखा जा रहा है कि आगे भी डाउनलोड होगा, लेकिन प्ले स्टोर इसे हटा नहीं रहा है। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर से दूर रहें जितना हो सके, और दूसरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, लेकिन इस सॉफ्टवेयर से दूर रहें, ये आपका पर्सनल डाटा भेज रहा है डेवलपर्स के पास। इस कैटेगरी में तीसरा सॉफ्टवेयर आता है ब्राइटेस्ट LED फ्लैशलाइट टॉर्च। सभी लोग चाहते हैं कि उनके मोबाइल में अगर कॉल आए तो उनके LED फ्लैशलाइट जले, और अगर मैसेज आए तो उनके LED फ्लैशलाइट जले, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को इसलिए बनाया है क्योंकि वो आपका पर्सनल डाटा पा सके। तो अगर आपके मोबाइल में इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिससे आपके मोबाइल में अगर अलग से आपने थर्ड पार्टी ऐप से इंस्टॉल किया या प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है तो इसको तुरंत हटा दें, क्योंकि आपका पर्सनल डाटा चोरी करके डेवलपर्स के पास भेज रहा है। तो ऐसे में इन सॉफ्टवेयर से दूर रहें, नहीं तो आपका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है। इन कैटेगरी में चौथा नंबर आता है कॉल रिकॉर्डर का। ये कॉल रिकॉर्डर जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, इसके आपकी पर्सनल कॉल्स आप जो चाहें रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या ये पता है कि जो कॉल रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपका डाटा अपने डेवलपर्स को भेजते हैं, मतलब थर्ड पार्टी तक भेजते रहते हैं, जिससे आपका डाटा आपके पास सुरक्षित नहीं रहेगा। आपके पास तो रहेगा ही, लेकिन वो थर्ड पार्टी के भी पास जा रहा है। तो ऐसे में इन सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दें। अगर आपके मोबाइल में पहले से कोई है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए तो उसका यूज़ करें, या तो फिर कॉल रिकॉर्डिंग का यूज़ ना करें, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर आपका डाटा थर्ड पार्टी के पास भेजते रहेंगे। तो ऐसे में अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर है तो इसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। इस कैटेगरी में पांचवें नंबर पर आता है रियल टाइम बूस्टर, जो कि क्लीन मास्टर के जैसा ही एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये आपको उससे बेटर कार्य करके दिखाता है, इसीलिए इसको आप लोग इंस्टॉल किए होंगे। अगर आपने इसको इंस्टॉल किया है ये, लेकिन प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने इसको इंस्टॉल किया तो अभी अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये आपका डाटा थर्ड पार्टी तक भेज रहा है, जिससे बचने के लिए आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। अभी भी ये थर्ड पार्टी ऐप्स पर आपको मिल जाएंगे, तो इसे प्ले स्टोर से हटा दिया गया क्योंकि इसमें मालवेयर मिले थे प्ले स्टोर को, इसलिए प्ले स्टोर ने इसको हटा दिया था। इसके बाद छठवें नंबर पे आता है फ्री वाईफाई प्रो। आप लोग अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो खुद इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं फ्री वाईफाई के लिए, और अपने दोस्तों को बताते हैं, जिससे उनके भी डाटा डेवलपर्स के पास भेजा जाता है, यानी कि थर्ड पार्टी के पास भेज दिया जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनसे हैकर्स का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्री वाईफाई होगी तो वहाँ पे हैकर्स भी होते हैं, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि वो आपका डाटा चोरी कर सके, तो इसीलिए वो फ्री वाईफाई का जाल बिछाकर आप लोगों को फंसा कर आपका डाटा चोरी कर लेते हैं। तो इसीलिए फ्री वाईफाई के चक्कर में ना पड़े, पर्सनल का डाटा यूज करें या पर्सनल वाईफाई लगवा लें उसका यूज करें। अगर आपके मोबाइल में फ्री वाईफाई का कोई भी सॉफ्टवेयर है तो इसको हटा दें, अन्यथा आपका डाटा लीक हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में।